हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी पिटारा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठा खाजा। यह खाजा अक्सर करके शादियों के सीजन में बनाया जाता है, खासकर लड़कियों के शादी में। अनेक रंग बिरंगी मिठाइयों के साथ यह भी एक मिठाई होती है जो कि ससुराल पक्ष को सौगात के रूप में दिया जाता है। तो मीठा खाजा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम मैदा लिया है। मैदे को छान करके अच्छे से ले लिया है। 500 ग्राम मैदे के लिए हमने 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है और रिफाइंड ऑयल मैदे के साथ मसल मसल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रोटी बनाने लायक पानी डाल करके आटा गूंथ करके तैयार कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ताकि आटा हमारा परफेक्ट गूंथ जाए। यह मिठाई होली के दिनों में भी बनाई जाती है और बहुत दिनों तक स्टोर करके रखी जा सकती है। तो आटा गूंद करके हमने तैयार कर लिया है। अब इस आटे को 15 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और अब आटे को एक बार अच्छे से फिर से मसल लेंगे और इस आटे से दो बराबर बराबर लोइयां बना लेंगे और एक लोई बना करके उसकी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी को जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी अपने घरों में बनाते हैं उसी तरह से पतली रोटी बना करके तैयार करनी है। तो देखिए रोटी भी बन गई है, इस तरह से हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल पतली रोटी बन करके तैयार हुई है। तो अब हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। एक कटोरी में हमने आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है, उसमें 2 चम्मच मैदा डाल करके रिफाइंड ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस मीठे खाजे को बनाते बनाते रेसिपी पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में पड़े हुए बेल आइकन की घंटी को क्लिक कर ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा शेयर की जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड और रिलेशन में वीडियो को शेयर करें। तो रिफाइंड ऑयल और मैदे के मिक्सचर को रोटी पर इस तरह से चारों तरफ फैलाएंगे। भी अच्छी तरह से फैलाना है क्योंकि ऑयल चारों तरफ लगा रहेगा तभी खाजा की परतें अच्छे से खुलेंगी। तो देखिए इस तरह से हमने रोटी पर चारों तरफ अच्छे से फैला लिया है और अब इसके साथ ही इसमें सूखे मैदे को छिड़क देंगे। तो एक बार मैदा छिड़क करके हाथों से अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और फिर से दोबारा इस तरह से मैदा उस पर छिड़क देंगे और किनारे से रोटी को मोड़ते हुए एक लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इस रोटी के रोल से 8 से 10 खाजे बन करके तैयार होंगे। तो हल्के हाथों से रोल बनाएं ताकि रोल आसानी से बन जाए। तो रोल अच्छे से बन चुका है, अब इसे 1 से 2 बार इसी तरह से घुमा लेंगे ताकि किनारे से अच्छे से चिपक जाए और किसी भी चाकू की सहायता से बीच से रोल कट करेंगे और रोल के एक भाग से 1 से 1.5 इंच के लंबाई में कई टुकड़े करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें टुकड़ों में कट कर लेना है। तो इसी तरह से रोल के कई टुकड़े कर लेंगे और पीछे का बचा हुआ भाग हटा देंगे क्योंकि वो बहुत पतला होता है तो उसे खाजा नहीं बन पाएगा। और एक एक कटिंग रोल इस तरह से उठाएंगे, जिस तरह से परत खुली हुई है उस तरफ को ऊपर की तरफ रख करके हाथों से दबा करके लोइयां बना लेंगे। तो इसी तरह से सारे टुकड़ों को चिपटा करके लोई बना लेनी है। तो सारी लोइयां बन करके तैयार हो गई हैं। अब इसे हम एक तरफ रखेंगे और एक एक लोई को बेलन की सहायता से बेल करके गोल शेप देंगे। जिस तरह से छोटी छोटी पूरियां बनाते हैं उसी तरह से बना लेना है। इसमें किसी भी सूखे आटे का या ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। मैदे में पर्याप्त मात्रा में ऑयल होता है तो पूरियाँ आसानी से बन जाती हैं। तो इसी तरह से हमने सारी पूरियाँ बना ली हैं और इधर हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इस खाजे को बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करें। तो हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है, हल्का सा चेक कर लेते हैं। तो तेल भी मीडियम गर्म है, इतना ही गर्म हमको चाहिए तेल। तो अभी हम इसमें एक एक पूरियां उठा करके इस तरह से डाल देंगे और कलछी की सहायता से तेल उठा करके पूरियों के ऊपर डालेंगे। तो जिस तरह से हम तेल डालते जाएंगे खाजा की परतें खुलती जाएंगी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 1, 2 या 3, 4 खाजे को हम एक साथ तल सकते हैं। तो इस तरह से परत खुल रही है।
तो जब खाजा की परतें खुल जाए तो दूसरी पूरियां डाल देंगे और फिर से वही प्रोसेस हमें करना है। इसी तरह से सभी खाजे को उलट पलट कर दोनों तरफ से हल्का सुनहरा होने तक तल लेंगे। ध्यान रहे कि खाजा को तलने के लिए हमें चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू लो चाहिए। तो इसके साथ ही हमने इसमें तीसरी पूरियां भी डाल दी हैं और वही प्रोसेस इस पर भी करेंगे। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं खाजे को तलते हुए और खाजा बिल्कुल भी तल चुका है। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। खाजे को तेल से बाहर निकाल के किसी छन्नी में रखें। देखिए इस तरह से जो उसमें एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हमने 8 से 10 खाजे तल लिए हैं। इसी तरह से सारे खाजे तल लेने हैं। तो अभी हम चाशनी बनाएंगे। तो खाजा को चाशनी में डुबोने के लिए हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो हमें चीनी और पानी डाल करके एक तार की चाशनी बना लेनी है। तो चाशनी लगभग बन चुकी है और अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाशनी में तार बन रहा है, बस यही चाशनी हमें चाहिए खाजा बनाने के लिए। तो चूल्हे का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें बने हुए एक एक खाजे को डुबो करके निकाल करके दूसरे बर्तन में रख देना है। चाशनी में डूबे नहीं रहने देना है, नहीं तो खाजे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से सभी खाजों को बना देना है। तो मीठे खाजे की यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके यहाँ यह खाजा कब बनाया जाता है ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।